मीडिया ने दावा किया है कि पुतिन मास सुसाइडल अटैक का प्लान कर रहे हैं। जी हां, यानी यूक्रेन के अंदर आत्मघाती हमला, यूक्रेन सोल्जर्स की पोजीशन पर, एमिनेशन सेंटर पर, ऐसा वेस्टर्न मीडिया का दावा है। इसके अलावा पुतिन ने एक बड़ा फरमान जारी किया है जिसके बाद रूस के बिजनेस हाउसेस में दहशत है। क्या है वो फरमान, आगे आपको बताएंगे। और साथ ही क्या पुतिन रूस में मार्शल लॉ लगाने वाले हैं? क्या रूस के अंदरूनी हालात इस स्तर पर आ गए हैं कि वहां मार्शल लॉ लगाना पड़ जाए? इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेज दी है और कुछ यूरोपीय देश यूक्रेन को फाइटर जेट देने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन सब बातों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि क्या पुतिन यूक्रेन में फिदाइन अटैक करेंगे, यानी क्या अब जंग में वो मोड़ आ चुका है जब रूसी सेना के जो जवान हैं वो यूक्रेन में जाकर फिदाइन अटैक करेंगे? ये सवाल अपने आप में खड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हालात है अब पुतिन के इस युद्ध में, उसके बाद पुतिन को शायद ये विकल्प नजर आ रहा है। क्या पुतिन की फिदाइन फौज तैयार है? ये भी एक अहम सवाल है। यूक्रेन पर फिदाइन अटैक कब लॉन्च करेगा रूस, इस पर भी नजर रखनी होगी। और साथ ही क्या पुतिन रूस में मार्शल लॉ लगाने वाले हैं, ये भी बहुत ही अहम सवाल है। इन सब पर बात करेंगे, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है फिलहाल कि साल 2023 के लिए पुतिन ने वॉर प्लान बदला है। जी हाँ, यानी इस साल के लिए पुतिन ने अपना जो वॉर की स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ी तब्दीली की है। वेस्टर्न मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यूक्रेन में फिदाइन सोल्जर्स पुतिन भेजेंगे। यूक्रेन डिफेंस पर फिदाइन अटैक की तैयारी पुतिन कर रहे हैं। अगले 3 महीने में फिदाइन सोल्जर्स को उतारा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की हथियारों की मदद पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को मिल रही है उसके बाद यूक्रेन पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यूक्रेन मजबूत नजर आ रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी यूक्रेन इस जंग में उसी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है क्योंकि पश्चिमी देशों से उसे लगातार मदद मिल रही है। ऐसे में अब ये नया विकल्प पुतिन तलाश रहे हैं, जहां फिदाइन हमले के जरिए यूक्रेन के सैन्य अड्डों को तबाह करने की उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है। और चलिए अब आपको पुतिन के सुसाइडल प्लान के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। दरअसल पुतिन की पलटन ने फिदाइन अटैक का प्लान बनाया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है मैंने आपको बताया, लेकिन क्या है ये बड़ी खबर, वो ये कि पुतिन की जो फौज है फिदाइन अटैक का प्लान इसको लेकर के बना लिया गया है। वेस्टर्न मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। सैकड़ों की संख्या में फिदाइन सैनिकों को इसके लिए अभी तक तैयार भी किया जा चुका है। यूक्रेन में बड़े सुसाइडल अटैक करने के लिए फिदाइन फौज तैयार है। और टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा यूक्रेन के मिलिट्री बेस, एमिनेशन बेस टारगेट पर होंगे इस फिदाइन अटैक के। और कब होगा? अगले 3 महीने में वॉर जोन में लॉन्च होंगे फिदाइन सोल्जर्स, यानी अगले जो 3 महीने होने वाले हैं इस युद्ध को एक नया मोड़ दे सकते हैं, यूक्रेन के लिए बहुत ही घातक हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन शायद रूस का जो ये प्लान है, स्ट्रैटेजी है, उसके जरिए बहुत ही बड़ा नुकसान उठाने की स्थिति में होगा। जो हथियारों की मदद उसे पश्चिमी देशों से मिल रही है उसको टारगेट अब पुतिन इस नई स्ट्रैटेजी के जरिए करने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिव खबर इस बार जंग में सामने आ रही है, वो ये कि अवदिवका पर रूस ने जोरदार अटैक किया है। इस अटैक के जरिए यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है, यूक्रेनी फैक्ट्री पर भी जबरदस्त बमबारी की गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो धमाका आपको ये दिखाई पड़ा ये एक यूक्रेनी फैक्ट्री और मिलिट्री बिल्डिंग को तबाह किया गया है रूस की तरफ से। डोनेस्क के अवदिवका में ये भीषण जंग इस वक्त भी जारी है। हालांकि रूस इसे अपना हिस्सा बता चुका है, रूस कह चुका है कि हम इस पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन जहां पर भी यूक्रेनी सोल्जर्स के थोड़े भी निशान बाकी है उन सब ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका टाइम्स नाउ। और भारत पर एक जो नई स्ट्रैटेजी पुतिन की तरफ से सामने आ रही है, जो वेस्टर्न मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, वो ये कि पुतिन अब समझ चुके हैं कि इस तरीके से अगर हथियारों की मदद यूक्रेन को मिलती रही तो जंग ऐसे ही लंबी खींचेगी। ऐसे में जो नई स्ट्रैटेजी है वो है फिदाइन अटैक की, किस तरीके से इसको देखते हैं? श्वेता, युद्ध में कुछ भी संभव है। युद्ध में अब पुतिन देख चुके हैं कि उन्होंने हर तरह से यूक्रेन पर हमला कर लिया है, लेकिन यूक्रेन जो है वो इस युद्ध में आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है, तो शायद अब वो नॉन ट्रेडिशनल तरीके से यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन श्वेता ये तो जानना बहुत जरूरी है कि आजकल के युद्ध में आमतौर पर जो आम आर्मी होती है, प्रोफेशनल आर्मीज होती है, वो फिदाइन हमलों का इस्तेमाल अब नहीं करती। हाँ, हर देश क्या करता है कि अपने कमांडोज को तैयार करता है और इन कमांडोज को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दुश्मन के देश के अंदर डीप इनसाइड जाकर इन्फिल्ट्रेशन करें, दुश्मन को क्षति पहुंचाएं
और क्षति पहुंचाने के बाद वहां से एक्सट्रिकेट हो जाएं, यानी वापस आ जाएं अपने देश में या एक सेफ एरिया में। यानी पुतिन मेरे ख्याल से कमांडोज को भेजेंगे जो कि यूक्रेन में अलग अलग जगह पर लैंड करेंगे, चाहे वो रात के अंधेरे में जमीन से जाएं या रात के अंधेरे में पैराशूट से लैंड करें। उसके बाद वो यूक्रेन के उन सैन्य ठिकानों को, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को क्षति पहुंचाएंगे, उनको एक्सप्लोसिव डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे और फिर वापस चुपचाप रूस की जहां फौजी हैं वहां पर सेफ लोकेशन पर आ जाएंगे। क्योंकि इसमें फिदाइन हमले में प्रोफेशनल आर्मीज आजकल सुसाइड हमले में यकीन नहीं करती। हाँ, इसमें क्षति होती है, हो सकता है अगर 10 कमांडो जाएंगे तो उनमें से 2, 4 या 6 मारे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे वाले मिशन में आजकल प्रोफेशनल आर्मीज जो हैं वो सुसाइड करने के लिए नहीं जाती हैं। उनका प्लान होता है कि शत्रु को क्षति पहुंचाओ और फिर सेफली वापस आ जाओ। जी श्वेता, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और इसीलिए ये प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है जंग के लिए, इसको इस लिहाज से सही नहीं माना जाता है। लेकिन पुतिन अब ये फैसला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जंग इसी तरीके से लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है। बने रहे हमारे साथ। लेकिन बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है, रूस के नुकसान पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। युद्ध में रूस के 1.5 लाख जवान ढेर किए गए हैं, यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है। युद्ध के 373 दिन में 1,51,000 रूसी जवानों की मौत हुई है, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो बड़ा नुकसान रूस को पहुंचा है और ऐसे में क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है इस युद्ध को शुरू हुए, रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 1,51,000 जवानों की मौत इस जंग में हो चुकी है रूस की तरफ से, ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो देखिए, यूक्रेन जंग में रूस को जो नुकसान हो रहा है उसका दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। फिदाइन फौज भी जो वजह है वो इसी लिहाज से हो सकता है क्योंकि 1 साल से चल रही जंग में रूस को लगातार नुकसान हुआ है। और आपको बताएं कि रूस ने अब तक 1,51,370 जवानों को खोया है, ये दावा यूक्रेन ने किया है। खुद पुतिन भी नहीं जानते कि जंग कब तक चलेगी, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि फिदाइन प्लान बनाया गया हो। रोजाना के युद्ध में हथियार, गोला बारूद का नुकसान भी रूस को जबरदस्त तरीके से उठाना पड़ रहा है। रूस ने 300 प्लस फाइटर जेट, 289 हेलीकॉप्टर अपने इस जंग के दौरान गवा दिए हैं। साथ ही रूस के खिलाफ पश्चिमी ताकतों का एकजुट होना भी रूस के लिहाज से बहुत ही खतरनाक है। नाटो और यूएसए लगातार यूक्रेन को हथियारों की मदद मिल रही है, जो आगे भी जारी रखने की बात इन देशों की तरफ से कही गई है। नाटो के 30 देशों ने मिलिट्री प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, यानी वो भी अब तैयार है कि चाहे जंग जब तक चलती रहे यूक्रेन की ऐसे ही मदद की जाती रहेगी। ऐसे में अब पुतिन ने जो नई स्ट्रैटेजी बनाई है ये भी इस वजह से हो सकता है। जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं देवनाथ सर कि क्योंकि ये युद्ध इतना लंबा खिंच चुका है, क्योंकि लगातार फंड की मदद हम करें, हथियारों की मदद की बात करें, तमाम नाटो कंट्रीज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वो भी इस बात को साफ कह चुके हैं कि जब तक जंग चलेगी हम यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में ये जो युद्ध है डेडलॉक की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और पुतिन के पास विकल्प क्या है, शायद इसीलिए इस नए विकल्प को तलाशा गया है पुतिन की तरफ से। श्वेता, ये युद्ध जो है अब वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ बढ़ गया है, यानी उभय पक्ष एक क्लियर कट विक्ट्री हासिल नहीं कर पा रहा है। रूस जो है पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने की, छोड़ दीजिए, रूस आधे यूक्रेन पर भी कब्जा नहीं कर पा रहा है। और इसी तरह से यूक्रेन जो है रूसी फौजों को अपने जो 4 पूर्वी प्रांत हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरोजिया और खेरसोन, वहां से रूसी फौजों को बाहर धकेलने में कामयाब नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, वॉर ऑफ एट्रिशन में क्या होता है कि उभय पक्ष एक दूसरे को छोटे 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 हमले करके थका देने की कोशिश करते हैं। एक कहावत है कि आप शत्रु को 1,000 छोटे छोटे चोट पहुंचाइए, शत्रु खुद ही थक जाएगा, हार जाएगा, शारीरिक और मानसिक रूप से सरेंडर करने की सोचने लगेगा। तो ये वॉर ऑफ एट्रिशन है जिसमें कि कमांडो अटैक जो है वो सुसाइड अटैक सही शब्द नहीं होगा, कमांडो अटैक भी एक तरीका है। इसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि कमांडो जो हैं दुश्मन के क्षेत्र में रात के अंधेरे में बहुत दूर तक घुस सकते हैं। अगर आप उनको हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से इंग्रेस कराएं, यानी हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से पैराशूट की मदद से उतारें, तो आप उनको 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर अंदर भी दुश्मन के टेरिटरी में लैंड करा सकते हैं। ये स्पेशल फोर्सेस होती हैं, बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में काम करती हैं, 5, 10 या 12 ही जवान एक साथ काम करते हैं, और उनके पास जो हथियार होते हैं वो भी इन्फेंट्री लेवल के छोटे हथियार होते हैं, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड,
और छोटी वाली मशीन गन, यानी ये लोग जो होते हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप शत्रु को हमला कीजिए, और जब शत्रु अभी भी भ्रमित है, कंफ्यूज है, और अभी शत्रु रिकवर कर रहा है, उसके पहले और ही एक बहुत बड़ा जो एक एज रूस के पास है सर, वो इस तरीके से भी है क्योंकि जो वेशभूषा है, जो रंग रूप है, वो काफी मिलता जुलता है। लिहाजा जो कमांडो अटैक की हम बात करें, वो रूस के लिए बहुत ही मुश्किल नहीं होगा कि अगर वो सैन्य अड्डों के भीतर घुस करके वहां पर एक अटैक करे, सुसाइडल अटैक करे, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी पर शायद इसीलिए पुतिन काम करे। आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक बड़ी खबर इस बीच ही आ रही है कि ज़ापोरिज़्या पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। जी हाँ, रूसी हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है। खबर ये भी है कि ज़ापोरिज़्या की जो रिहायशी इमारतें हैं उन्हें फिर से निशाना बनाया गया है। रूसी हमले में कई बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, ये भी खबर मिल रही है। तो ज़ापोरिज़्या में रूसी हमले में 4 और लोगों की मौत हो गई है, और ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो सब कुछ खंडहर में यहाँ तब्दील नजर आता है। पहले से ही ज़ापोरिज़्या रूस के टारगेट पर रहा है, अब एक बार फिर जो रिहायशी इमारतें हैं वो रूसी मिसाइलों का शिकार हो रही है, और सब कुछ मलबे के अंदर तबाह होता हुआ नजर आता है। 4 लोगों की मौत की खबर भी इस हमले में मिल रही है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं ज़ापोरिज़्या में क्या हालात बने हुए हैं। ये वो बिल्डिंग्स है जहां जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन पिछले एक साल में सब कुछ तबाह हो चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, पुतिन ने रूस में एक नया फरमान जारी किया है। इसको इस तरीके से समझिए कि बड़ी खबर ये कि पुतिन के नए फरमान से अब मार्शल लॉ का डर सता रहा है। रूस में फुल स्केल वेपन प्रोडक्शन का ऑर्डर पुतिन की तरफ से दिया गया है, और साथ ही वेपन कंपनियों को ऑन टाइम डिलीवरी का ऑर्डर दिया गया है, और समय से अगर डिलीवरी नहीं होती है तो कंपनी जब्त तो हो जाएगी, ये भी प्रेशर इनके ऊपर डाला गया है। तो देश में जब ऐसी स्थिति बनती है, आपात स्थिति बनती है, उस वक्त मार्शल लॉ जारी किया जाता है, लगाया जाता है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या रूस में अब मार्शल लॉ लगाएंगे पुतिन? ये सवाल इसलिए कि पुतिन ने शुक्रवार को नई डिक्री पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कंपनियों को फुल स्केल पर जो वेपन है उन्हें बनाने का ऑर्डर पुतिन की तरफ से साफ साफ दे दिया गया है। इसके आगे ये भी आप समझिए कि ये जो वेपन कंपनियां हैं उनको ऑन टाइम डिलीवरी का निर्देश भी दिया गया है। जो वेपन कंपनियां हैं वो अगर ऑन टाइम डिलीवरी नहीं करती हैं तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। एक्शन क्या लिया जा सकता है? अगर ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होती है तो इन कंपनियों पर एक्शन होगा, यानी कि उन पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जो एक फिक्स ड्यूरेशन दिया गया है, टाइम दिया गया है, उस पर ही डिलीवरी हथियारों की करनी पड़ेगी, क्योंकि इस युद्ध में हथियारों का प्रोडक्शन तेजी के साथ बढ़ाना पुतिन के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रोडक्शन में फेल कंपनी सरकारी कार्रवाई और सरकारी कब्जे में चली जाएगी, ये भी बड़ी खबर सामने आ रही है। मालिक और शेयर होल्डर्स के अधिकार जो होंगे उस कंपनी पर वो भी खत्म हो जाएंगे। यानी आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि जो कड़े प्रतिबंध है वो लगाए जाएंगे। तो जो सवाल उठ रहा है कि रूस में क्या मार्शल लॉ पुतिन लगाएंगे, चलिए आपको ये भी समझा देते एक सरल शब्दों में कि मार्शल लॉ होता क्या है और क्यों इसकी आशंका रूस में अब गहरा रही है। तो सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी इमरजेंसी के जब हालात होते हैं, यानी कि जो आपात स्थिति होती है, उसमें मार्शल लॉ लगाया जाता है। किसी पर्टिकुलर एरिया में भी लगाया जा सकता है या फिर पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से। क्या होता है इसमें? जो शासन व्यवस्था होती है उस पर कंट्रोल जो वहां की सेना होती है उसके हाथ में होता है, यानी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती, सेना के हाथ में होता है। सेना किसी भी एक्शन के लिए किसी की राय नहीं लेती, सेना को ये फ्री हैंड मिला होता है, फुल छूट होती है कि आप किसी भी एक्शन को खुद से ही ले सकते हैं। इसके अलावा क्या सेना किसी की संपत्ति को जब्त कर सकती है? उसके लिए कोई नियम, कोई कानून, कोई दस्तावेज किसी की जरूरत नहीं है, सेना ये एक्शन खुद ले सकती है। सेना किसी के आने जाने पर पाबंदी लगा सकती है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, जो राइट है किसी भी सिटीजन का, उस पर पूरी तरीके से सेना अपने हिसाब से उसको तय करती है। सिविल कोर्ट्स की जगह पर मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, यानी जो सिविल कोर्ट में जो मामले होते हैं वो सब कुछ मिलिट्री कोर्ट में ही तय किए जाते हैं, वहीं पर फैसला सुनाया जाता है। और इसीलिए अब लग रहा है कि क्या मार्शल लॉ रूस में लग सकता है। लेकिन इस बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यूक्रेन को अमेरिका की बड़ी मदद का ऐलान एक बार फिर से, $400 मिलियन की मदद का ऐलान अमेरिका ने किया है। और इसको ऐसे समझिए कि जो युद्ध का एक साल हुआ है अभी, एक साल में 33वीं बार ये अमेरिका ने बड़ी मदद यूक्रेन को की, और यही तो वजह है कि यूक्रेन इस जंग के मैदान में लगातार डटा हुआ है। और ना सिर्फ डटा हुआ है, कई अभी तक रूस को वो कामयाबी मिली ही नहीं है, एक साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी, जो रूस ने कुछ महीनों में ही हासिल करने के लिए सोचा था।